जी हमने आज यहाँ पे इनको धरने की परमिशन काफी समय से मांग रहे थे, 8-10 दिन से धरने की परमिशन हमने लगा रखी थी। बार बार ये लोग कभी कहते हैं कि 24 को कर लो, कभी 26 को कर लो, फिर भटकते भटकते 27 पे बात पहुंची। हम हर बार अपनी मांग को लेकर सीधा स्वास्थ्य भवन और सचिवालय का घेराव कर चुके हैं। अब की बार हमने शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक पे हमारा घेराव किया है, प्रदर्शन किया है, यहाँ महापड़ाव डाला है और हम लोग आज यही सोच कर आए हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। जिसमें मुख्य रूप से जो मांगे हैं हमारे CHO साथियों की सभी की, जो ये है कि भी एक तो नियमितीकरण जो है पूरी तरह से स्पष्ट, जो गाइडलाइन है, जो CSR रूल्स में इन्होंने संशोधन भी किए हैं, 3 साल बाद परमानेंट का इन्होंने कहा है और 1 साल का अनुभव 3 साल गिना जाएगा पुराने लोगों का, नए लोगों का 1 साल का 1 साल अनुभव गिना जाएगा, लेकिन उसमें 2 साल का होना चाहिए। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा संशोधन है वो है कि टर्मिनेशन वर्ड यूज़ किया गया है, वो नुकसान है, लेकिन CHO को इसमें एक ये नुकसान हो रहा है कि इनको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग दी गई थी पहले, उसके बावजूद इन्होंने समय बाद में गिनाए जब ज्वाइनिंग अब करवाई है लेट, जबकि ज्वाइनिंग उसी वक्त की होनी चाहिए थी जब इनको CSR रूल में ज्वाइनिंग दी तो उसी वक्त की होनी चाहिए थी। मुख्य रूप से इसमें 3 मांगे हैं जो CSR रूल से हटके, जो 3 मांगे हैं वो मुख्य रूप से यही हैं कि 32+8,000 या 40,000 जो है इनका इंसेंटिव मर्ज करके, मतलब बेसिक सैलरी है जैसे वेतन है अभी 25,000+15,000 इंसेंटिव, तो इंसेंटिव और सैलरी दोनों मर्ज करके 40,000 पूरा दो, या तो क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है ये पूरा सिस्टम, 15,000 का जो इंसेंटिव है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार होता है, इनका एक इंडिकेटर के 1,000 रुपये मिलते हैं और वो एक इंडिकेटर के 1,000 और 15 इंडिकेटर्स के 15,000 इंसेंटिव, तो वो 15 इंडिकेटर्स इनको जानबूझ के इधर उधर ड्यूटियाँ लगा के पूरे नहीं करने दिए जाते, जिससे ना तो ये आयुष्मान भारत योजना हो चाहे जो भी योजनाएं राष्ट्र गहलोत सरकार की हो चाहे, यही मांग है कि एक तो इंसेंटिव और ये मर्ज करने का, दूसरा जो है कैडर निर्माण हो 4800 ग्रेड पे का, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग जो कैडर बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग क्रियान्वयन राजस्थान में भी हो और राजस्थान में 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग इन लोगों को रखा जाए। जी देखिए उसका उसकी जांच चल रही है, बहुत बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था, बच्चे बच्चे के पास पेपर चला गया था, हमने SOG को पूरे सबूत दिए थे, अधीनस्थ बोर्ड को पूरे सबूत दिए थे, मतलब जो बच्चे एग्जाम सेंटरों के सामने गोला बनाकर बैठ बैठ कर पढ़ रहे थे उस पेपर को, वो पेपर तक ये 100 में से 87 क्वेश्चन जो है वायरल हुए थे, उसका ना तो इन्होंने कोई निर्णय किया अभी तक स्पष्ट, SOG की जाँच ही उसमें अब तक चल रही है, उसमें या तो इनको जो 19 मार्च को वापस पेपर कराने की बात हुई थी तुरंत प्रभाव से इनको पेपर करा देना चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, और ऑनलाइन एग्जाम जो है मैं सबसे अहम बात इस मामले में ये रखना चाहता हूँ, ऑनलाइन एग्जाम सभी भर्तियों में कर दो आप, जिससे क्या है किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं रहे और पेपर लीक होने की तो कम से कम संभावना नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंप्यूटर हैक भी हो जाता है तो 10-5 जगह पे मान लो जो है कोई घपला करने के चांसेस रहते हैं, उन पे आप कैमरों से नज़र रख के और बिल्कुल नियमित तो करने का इन्होंने कह ही दिया, CSR रूल्स बनाए हैं लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि आगे चल के परमानेंट हो रहे हैं, तो ऐसे में एक तो नियमित हो, स्थाई भर्तियां निकले, संविदा प्रथा बंद होनी चाहिए, ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, कहीं भी जो है कहीं भी संविदा पे भर्ती नहीं निकलनी चाहिए अब आगे, चाहे वो NHM डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट्स ही क्यों ना हो, और समान कार्य समान वेतन के अनुसार जो ग्रेड पे है उसके इक्विवेलेंट पैसा भी मिलना चाहिए। जी भरत बेनीवाल और संरक्षक CHO फेडरेशन इंडिया। हम सभी CHO आज हमारी कुछ मांगों को लेकर के आए हैं, जिसमें से मुख्य मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए 4800 ग्रेड पे, हमारी जो सैलरी और इंसेंटिव जो हमें मिलता है उसको मर्ज किया जाए, मेन ये 2 मांगे हैं जिनको लेकर के आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इससे पहले भी आंदोलन किया है लेकिन अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, अब हम अनिश्चित कैलेंडर के ऊपर आए हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले हमारा कुछ ये जो सरकार है ये आचार संहिता से पहले हमारा कुछ कर दे, तो अभी इस मामले में किसी से नहीं, बस हमारी मेन मांगे ये हैं कि हमें परमानेंट कैडर पे परमानेंट किया जाए और 4800 ग्रेड पे के साथ हमें परमानेंट किया जाए और हमारा जो सैलरी इंसेंटिव है वो मर्ज किया जाए, जिससे कि हमें जो आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके। ये चीज सर एक्सपी क्या है कि हमारे जैसे कि जो सैलरी जो है उसके अलावा हमें इंसेंटिव भी मिलता है 15,000 रुपये 15 इंडिकेटर के विरुद्ध, तो उसमें क्या अभी तक हमें 1.5 साल हो गया अभी तक वो इंसेंटिव भी नहीं मिला, तो हम चाहते हैं कि उसको सैलरी के अंदर मर्ज करके
40,000 रुपये कर दिए जाए, क्योंकि उसके बीच में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी वो लोग कुछ पैसों की मांग वगैरह करते हैं 15,000 में से बनाई थी सर, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। हमारी मांग सूत्री 600 की, 3 सूत्री मांगों के लिए हम यहाँ पर शहीद स्मारक में धरना दे रहे हैं। सबसे पहली मांग ये है 600 की सैलरी और इंसेंटिव को मर्ज किया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इंसेंटिव के 15,000 रुपये जो भ्रष्टाचार में राजस्थान सरकार लिप्त है। और दूसरी मांग हमारी 600 का नियमित कैडर बनाया जाए, जिससे कि आगे भविष्य में 600 नियमित हो सके। तीसरा, इसके ग्रेड पे 42 ग्रेड पे है, इसको संशोधित करते हुए इसको 48 ग्रेड पे किया जाए। इस मांग को लेकर हम आज एक दिवसीय धरना शहीद स्मारक पर दिया जा रहा है पूरे राजस्थान से। बिल्कुल बिल्कुल वादा खिलाफी है। जब सरकार 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया, जो भी संविदा पर लगे हुए हैं उनको सभी को नियमित किया जाएगा, आज वही सरकार इन सभी संविदा कर्मियों को नियमित खिलाफ के उसको वापस नियमित करने का इरादा नहीं कर रही सरकार। मुझे लगता है सरकार की दोगली नीति है और इसका चरित्रहीन है, इसलिए सरकार को सबक लेना चाहिए। आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर सरकार को युवाओं में पूरा जोश है, इस बार सरकार को मुझे लगता नहीं सरकार वापस रिपीट होगी, ये सरकार रिपीट नहीं होगी, सरकार डिलीट होगी। अगर संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया गया तो इनको मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये सरकार वापस डिलीट होगी और नियमित नहीं करेगी तो कांग्रेस सरकार राजस्थान से उखाड़ फेंकेंगी युवा। सर ये अभी जो हमारा जो राजस्थान में जो चल रहा है धरना प्रदर्शन CHO का, तो पूरे राजस्थान में CMHO को ज्ञापन दे के आए हैं एक दिन के लिए छुट्टी के लिए। अभी ये 3 सूत्री मांगे हैं, अगर इनको पूरा नहीं करती है कांग्रेस सरकार और हमारी बातें नहीं मानती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पे चालू रहेगा। रघु शर्मा, हाँ हाँ, सरकार सुनना क्या करेगी, सरकार किसमें मंशा है, इसमें लिप्त है सरकार इसमें, क्योंकि इनको संविदा पे रखते हैं, जितना ही बजट होता है वो ये अपने पास रखते हैं और अपने हिसाब से जिनको देना है उनको देते हैं। अब 3-3 महीने इंसेंटिव और जो सैलरी है इसमें फंसा हुआ पूरा बजट। कोरोना में बहुत काम किया है, 9-9 घंटे ड्यूटी की है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सैलरी अभी तक अटकी पड़ी है पूरे राजस्थान में, देखोगे तो अभी तक सैलरी नहीं मिली उसकी, 9-9 महीने हो गए सर। हम सभी आज से सामूहिक हड़ताल पे हैं, सभी CHO हमारी मांगे यही है 4800 ग्रेड पे, और हमारा मेन मांग यही है कि हमारा कैडर बनाया जाए CHO का। अभी तक कैडर भी नहीं बनाया सरकार ने, और सरकार अपनी जो संविदा कर्मियों को नियमित का जो वादा कर रही है उसके उल्टा कर रही है, क्योंकि संविदा कर्मियों को वापस संविदा कर्मी के रूप में रख रही है। अब परमानेंट करने की मंशा होती तो सरकार करती, अब तो मेरे को लगता नहीं कि सरकार को अब डिलीट करना पड़ेगा, सरकार को बदलनी पड़ेगी। अब विरोध हमारा शांतिपूर्ण विरोध रहेगा, उसके बाद देखेंगे हम। अगर तो फिर सरकार को वोट की चोट से हटा देंगे फिर। जी नमस्कार, हम लोग यहाँ पे एक धरने के लिए आए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो संघ है हमारा फेडरेशन की तरफ से। दरअसल धरना इस चीज के लिए दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट से हमारी 3 मांगे, अभी के लिए सिर्फ 3 मांगे। एक तो हमारा नियमित जो कैडर है उसका निर्माण हो, साथ ही साथ में हमारा जो ग्रेड पे है वो 4800 ग्रेड पे होना चाहिए, इससे कम में हम लोग काम नहीं करना चाहते। और तीसरा है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 प्लस 15,000 रुपये जो सैलरी दी जाती है, 15,000 यहाँ पे इंसेंटिव के लिए दिए जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस इंसेंटिव को मर्ज करके या तो कम्प्लीटली जो सैलरी हमारी वो 40,000 की जाए, या फिर एक बीच का रास्ता निकाल के 32,000 प्लस 8,000 किया जाए, क्योंकि इंसेंटिव के नाम पर पूरे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा हो रहा है। कभी MO से प्रॉब्लम होती है, कभी BCMO से, कभी CMHO लेवल से, कभी DPM लेवल से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और दूसरा, फंड की वजह से कई बार जो CHO है उसको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल पाता इंसेंटिव का जो है। अभी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे हमारे जो CHO साथी उनको 17-18 महीने हो गए लेकिन अभी तक इंसेंटिव के नाम से कुछ भी नहीं मिला है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश है, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि या तो इसको मर्ज किया जाए सैलरी प्लस इंसेंटिव को, या फिर अगर मर्ज नहीं करते तो 32+8 वाला जो फॉर्मूला है बिहार की तर्ज पे, बिहार सरकार ने ये एक फॉर्मूला अपनाया है जहाँ पे उन्होंने 32,000 सैलरी प्लस 8,000 इंसेंटिव है। इंसेंटिव के कुछ पॉइंट्स उन्होंने निर्धारित किए जो भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत की योजना के तहत जो ये प्रोग्राम चल रहा है उन्हीं पॉइंट्स को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, बाकी अदर पॉइंट्स को इंक्लूड करने का कोई सेशन नहीं है। 8,000 में उन्हीं पॉइंट्स को रखा जाए जो आयुष्मान भारत के योजना के तहत जिनको पूर्ण करना होता है।